सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 11 जून तक होंगी, जबकि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 7 जून तक होंगी। 12वीं की परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होंगी। परीक्षा ऑफलाइन लिखित मोड में आयोजित होंगी, साथ ही संशोधित सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा का सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च से होंगी। अगर कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुल पाए तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं बाद में होंगी। परीक्षा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि अब जो ये डेट शीट आपको मिल रही है, इसके आधार पर आप खूब मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। किसानों के मुद्दे पर हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। भारी हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह चर्चा के लिए तैयार है। सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से कहा कि वो चर्चा के दौरान विपक्ष को पूरा मौका देंगे, इसीलिए हंगामा न करें। अच्छा हो आप ये काम सदन के अंदर प्रश्नकाल जो आपको अधिकार दिया उससे पूछें। ये तख्तियां नारेबाजी का काम आप सदन से बाहर करेंगे तो उचित रहेगा। लेकिन विपक्षी सदस्य स्पीकर की अपील को नजरअंदाज कर लोकसभा में बार बार कार्रवाई में बाधा डालते रहे। सरकार ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है। लोकसभा में लिखित जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। ट्रैक्टर मार्च में कुछ लोगों ने उग्र होकर हिंसा की। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर मार्च की हर एक शर्त तोड़ी। प्रदर्शनकारियों की हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। गृह मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली हिंसा में अभी तक 39 किसान नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए 1700 से ज्यादा वीडियोस की जांच की जा रही है। ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं, तो उन सभी को खंगाला जा रहा है। उन सभी से FRS के माध्यम से, वीडियो एनालिटिक्स के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं। किसानों के 6 फरवरी के चक्का जाम के ऐलान पर दिल्ली में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हाईवे पर कीले और नुकीले सरिये लगाए गए हैं, ताकि किसान दिल्ली में ना घुस सके। 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। सीमेंटेड वॉल के ऊपर कंटीले तार भी लगाए गए। कुछ जगह सड़कें खोद कर एंट्री प्वाइंट बंद कर दिए गए। किसानों ने इसे डराने की कार्रवाई बताया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया। 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है, हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया। किसान संगठन 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजामों की बड़ी वजह इस वक्त संसद सत्र चलना भी है। गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में आज शिवसेना नेता संजय राउत भी शामिल हुए। उनके साथ पार्टी के सांसद अरविंद सावंत भी मौजूद थे। दोनों ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरी शिवसेना राकेश टिकैत के साथ है। टिकैत साहब को जो एक संदेश देना था उद्धव जी का, वो हमने दिया है। सरकार ने बात करनी चाहिए और बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए, कि अहंकार से राजनीति नहीं चलती और देश भी नहीं चलता। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन अक्टूबर नवंबर तक चलेगा और वो किसानों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आंदोलन अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। तैयारी हमें अक्टूबर और नवंबर तक ही करनी है। ये वैचारिक क्रांति है, किसान की आजादी की लड़ाई है। ये इस लड़ाई को युवा ही लड़ेगा, वो जमीन नहीं बेचेगा। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है। किसानों के लिए जिस तरह से एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, यहाँ पर भी जैसा सदन विपक्ष है, विपक्ष भी इस समय राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है।
दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा के आरोपियों को कांग्रेस और पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार कानूनी मदद देगी। अमरिंदर सिंह सरकार ने इसके लिए वकीलों की टीम बनाई है। लीगल टीम आरोपियों को मुफ्त कानूनी मदद देगी। मदद का खर्च कांग्रेस और पंजाब सरकार उठाएगी। पंजाब सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कैप्टन साहब ने कहा कि ए खले पंजाब दे दें, बाकी भी जड़ी स्टेट्स दे उठे किसान बंद ने, उन्होंने सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उनको पैसा नहीं लिया जाएगा। दिल्ली हिंसा में अब तक 44 FIR हुई हैं और 122 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बीजेपी ने कहा कि कानूनी मदद से साफ है कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस की सरकारों ने उकसाने का काम किया, उनको लाल किले की तरफ भेजने का काम किया, और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि वो लीगल एड देंगे। क्या दिखाना चाहते हैं, देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंसा के आरोपियों को कानूनी मदद देने का ऐलान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी किया है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज तिहाड़ जेल जाकर इन हिंसा के आरोपियों को स्वेटर और कंबल बांटे। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA करेगी। 29 जनवरी को शाम तकरीबन 5 बजे APJ अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के बाहर धमाका हुआ था। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने कुछ ईरानी नागरिक और कैब ड्राइवर से पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस बात की जांच कर रही है कि 3 बजे से शाम 6 बजे तक वहां से कितने लोग गुजरे थे। इसकी जानकारी जुटाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी IDPR का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस उन होटलों के CCTV फुटेज की भी जांच कर रही है जहां ईरान से आए लोग ठहरे हैं। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.